मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने व्याकरण भाग के अंतर्गत विशेषण का समग्र अध्ययन किया था। आपको पता है विशेषण जो इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कुल चार प्रकार हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। इसका हमने विस्तृत जो है अध्ययन किया था उनके उदाहरणों द्वारा। तो आज हम उसी के अंतर्गत, विशेषण के अंतर्गत हम उनके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। इससे जो है पढ़ाया गया विषय फिर से ज्ञात स्मृति में रखने का जो है एक प्रयास होगा। आप जहाँ तक इन प्रश्नों के आराम से आप उत्तर देंगे, यदि विशेषण का अध्ययन जो है आपने ठीक से किया हो तो मैं आशा करता हूँ कि सभी जो कैडेट्स हैं वह इसका उत्तर देंगे, कारण उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से विशेषण का अध्ययन किया है। तो चलिए हम अभी विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण प्रश्न अभ्यास जो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसके विकल्प हैं, पहला है संज्ञा, दूसरा है विशेषण, तीसरा है सर्वनाम, चौथा है विशेष्य। तो मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर है वो है विशेषण। तो आपको सभी को पता है इसकी परिभाषा दी गई है, उसका जो उत्तर है वह है विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे जो इस प्रकार है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जो विशेषता बताई जाती है जिस शब्द की, यानी साधारण शब्द हो उसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। दो पद में एक जो है एक साधारण पद होता है उसे बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसे विशेषता होती है। तो हम विकल्प देखेंगे, ए शब्द, बी विशेषण, सी विशेष्य, डी वाक्य। तो इसका सही उत्तर जो है विशेष्य। विशेष्य और विशेषण, देखिए विशेष यानी साधारण वस्तु, कोई भी शब्द हो, एक साधारण शब्द हो जैसे कमल, तो कमल यह विशेष्य हो गया। और विशेषण है लाल, कमल लाल रंग का है, गुलाबी रंग का है ये ऐसे। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? विशेषण का भेद नहीं है, तो आपको कितने भेद हैं वो पहले ही पता है। तो यहाँ पर विकल्प देखेंगे हम, गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, डी है सार्वनामिक। तो आपको पता होगा गुणवाचक विशेषण की भेद हैं, संख्यावाचक भी प्रकार है, सार्वनामिक प्रकार है। तो दूसरा है व्यक्तिवाचक, यह संज्ञा में आता है, तो इसका भेद विशेषण का यह भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक जो है भेद नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? तो विकल्प देखेंगे हम, ए दो, बी चार, सी छः, डी आठ।
बताइए मुझे विशेषण के कितने भेद हैं? सही पहचाना, इसका उत्तर है चार। विशेषण के चार भेद हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। विशेषण कहलाते हैं, विशेषण जो हैं यह क्या कहलाते हैं? देखिए, पर्यायवाची शब्द, विशेष्य, विपरीतार्थक शब्द, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो बताइए, पर्यायवाची तो शब्द नहीं है, विशेष्य नहीं है, विपरीतार्थक शब्द भी नहीं है। इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो इसका उत्तर है डी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। विशेषण, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विकल्प देखेंगे हम। पहला है विशेषण, बी है विशेष्य, तीसरा है प्रतिविशेषण, चौथा है संज्ञा। तो छठे प्रश्न का उत्तर है विशेष्य। विशेषण का भी जो है विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषण में वह है विशेष्य। तो आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उदाहरण किस प्रकार। तो इसमें एक संख्यावाचक उदाहरण है तेज मरियल, एक बहुवचन अगला पिछला वीर हरा। तो यहाँ पर बताइए, तो संख्यावाचक विशेषण के कौन सा उत्तर सही होगा? सही है एक और बहुत। एक जो है यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक बहुत है। तो ये एक जो है संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इसका उत्तर है बी। उसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर जाएंगे हम। इतिहास शब्द का विशेषण रूप है इतिहास का। तो इसका सही उत्तर जो इसमें है, इतिहासिक, ऐतिहासिक, सी इतिहास, डी है इतिहासात्मक। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह है इतिहास का विशेषण बताता है। विशेषण जैसे ऐतिहासिक, इसका इतिहास का विशेषण रूप है ऐतिहासिक, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब हम। अब वे गरीब नहीं रहे, रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए। गरीब यह किसमें आता है? तो विकल्प देखेंगे हम पहले। ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी संकेतवाचक। तो गरीब जो है उसका रंग रूप या उसके दशा को दर्शा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो है वह है गुणवाचक। गुणवाचक में रंग रूप दशा भी आती है। गरीब है तो गरीब का यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर है गुणवाचक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। कुछ लड़के जा चुके हैं, कुछ शब्द, ठीक है। रेखांकित अंश के विशेषण का भेद बताइए। कुछ यहाँ पर जो है निश्चित नहीं बता रहा है, कुछ लड़के इतने ही नहीं है। तो इसका विकल्प देखेंगे हम, पता चलेगा। ए गुणवाचक, बी निश्चित संख्यावाचक, सी अनिश्चित परिमाणवाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है कुछ लड़के, कितने लड़के पता नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है। इनमें गुणवाचक विशेषण शब्द हैं। तो देखेंगे, गोरा व्यक्ति 10 रुपये, दो मन अनाज, यह कार। तो इनमें गुणवाचक हैं
तो इसका सही उत्तर जो है ये गोरा व्यक्ति। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस कक्षा में 40 छात्र हैं, रेखांकित शब्द का भेद है। तो यहाँ पर आप पहचानिए 40 छात्र हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है डी, संख्यावाचक। ठीक है, यहाँ पर 40 जो है संख्या को सूचित करता है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, इनमें संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक यानी और एक नाम है जो सर्वनामी का, और एक नाम है संकेतवाचक। तो यहाँ पर देखेंगे बहुकल्पीय। वह मकान, 10 मन गेहूं, 20 लड़के पंजाबी। तो आपको यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है वह मकान। जो संकेत वह, यह सर्वनामिक, सर्वनाम को यहाँ पर दर्शा रहा है, इसीलिए यह वह मकान जो है सही होगा। तो संकेतवाचक या सार्वनामिक, सर्वनाम का शब्द यहाँ पर आया इसीलिए सर्वनामिक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इनमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। परिमाणवाचक शब्द विशेषण है, जैसे यहाँ पर देखिए, 10 लीटर दूध, 20 गाय, बंगाली, यह घर। तो इसमें सही उत्तर जो है यह है 10 लीटर दूध, जो परिमाण को माप तोल का जो अनुभव कराता है। अगला प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण का, इनमें दूसरा नाम है, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है। यहाँ पर देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक का और एक दूसरा नाम है वह है संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक का विशेषण का। तो अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप के बारे में बताते हैं वे कहलाते हैं। जो रंग रूप या गुण दोष के बारे में कहलाते हैं वो से हम परिमाणवाचक कहते हैं, या संख्यावाचक कहते हैं, या गुणवाचक कहते हैं, या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वह है गुणवाचक। क्योंकि बताइए, गुण दोष रंग रूप जो है गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। तो इसका सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, इस गिलास में थोड़ा दूध है, इस गिलास में थोड़ा दूध है, रेखांकित का विशेषण भेद बताइए। रेखांकित यानी थोड़ा होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखेंगे, ये है परिमाणवाचक, बी अनिश्चित संख्यावाचक, सी निश्चित संख्यावाचक, डी है गुणवाचक। तो इसका सही उत्तर जो है वह है अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ा दूध, गिलास में थोड़ा दूध है, कितना है यह पता नहीं है। तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक होना चाहिए, गिलास में दूध जो है थोड़ा है, कितना है पता नहीं। तो यह अनिश्चित संख्यावाचक जो है बी, थोड़ा दूध कितना है पता नहीं, यहाँ पर लीटर भी नहीं दिया है तो थोड़ा है, यह अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। यहाँ पर संख्यावाचक दिया है, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। गिलास में थोड़ा दूध है, कितना पता नहीं है, इसीलिए ये माप तोल, दूध जो है माप तोल में आता है। तो अगला प्रश्न है, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा, बनेगा पुस्तक में। तो इसके विकल्प हैं, पुस्तकालय विशेषण बनेगा यानी पुस्तक से, पुस्तकालय, पुस्तके, पुस्तकीय, पुस्तकों। तो इसका सही उत्तर जो है वह है, तो इसका सही उत्तर है पुस्तकीय विशेषण बनेगा, जो पुस्तक में, पुस्तकालय या पुस्तकीय। तो इसका सही उत्तर है पुस्तकीय। तो
इसका उत्तर मैं और एक बार बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, पुस्तकालय है या पुस्तकीय है, तो यह उत्तर मैं जो है बाद में बताऊंगा। अगला प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है में विशेषण है। मदन काली पतलून पहनकर, यहाँ पर काली पतलून है, तो इसका सही उत्तर जो है यहाँ पर देखेंगे, काली विशेषण इसमें पहचाना है, काली पतलून मदन खेलने, तो इसका सही उत्तर है काली। तो मदन पतलून तो पहन कर आया है, किस रंग की विशेषता बता रहे हैं, काली रंग की, तो इसका सही उत्तर है काली। अगला प्रश्न है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, जवाब, तो यहाँ पर देखेंगे जवाबी, उत्तर, जबानी, जुराब, तो इसका सही उत्तर जो है वह है जवाबी। ठीक है, तो आगे देखेंगे, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर लिखित, दयालु, सड़क छाप, भूखा, तो इसका सही उत्तर जो है लिखित, यह संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, क्योंकि यह लिखने की क्रिया जो है क्रिया यहाँ पर आती है। अगला प्रश्न है जो इस प्रकार है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है, देखेंगे रक्षणीय, तृप्त, कृपालु, खाद्य, तो इसका सही उत्तर जो है वह है कृपालु, निर्मित विशेषण है वह कृपालु से बना है। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक पढ़ो वाक्य में विशेषण है, वह पुस्तक पढ़ो, तो इसका सही उत्तर है गुणवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक, तो इसका सही उत्तर जो है वह है सार्वनामिक, क्योंकि यहाँ पर वह है, वह पुस्तक की बात कह रहे हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, प्रविशेषण विशेषण के पहले लगता है, पक्षी बहुत मीठा बोलते हैं, वह बहुत सुंदर लिखता है, तीसरा है उसने सुंदर सुंदर लिखा, और चौथा है वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसका सही उत्तर जो है वह बहुत अच्छा लड़का है, लड़का जो है अच्छा, यह विशेषण है, लड़का कैसा है, अच्छा है, लेकिन अच्छे में भी जो उसका विशेषता बता रहा है वह है बहुत, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, यह जो है प्रविशेषण का सही उत्तर बन जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है जो इस प्रकार है, आलस्य शब्द का विशेषण है, विकल्प देखेंगे आलस, अलस, आलसी, आलसीपन, तो इसका सही उत्तर जो है वह है आलसी, आलस्य जो है आलस शब्द का विशेषण आलसी इस तरह बनते हैं। तो आज हमने जो है विशेषण के जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर जो है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पर आज हमने समग्र चर्चा की, थोड़े प्रश्नों एक प्रश्न जो है थोड़ा बहुत जो द्वंद्व था उसे हम बाद में मैं उसका उत्तर बताऊंगा, तो इस प्रकार जो है हमने विस्तृत अध्ययन किया है। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।